जो सामने आप वाटरफॉल देख रहे हैं, मैं अभी इसी जगह पर जाना है, तो देखते हैं कहाँ से जाते हैं। देखो वो नीचे भी है, बहुत ही प्यारी जगह है। बहुत दूर जाना पड़ेगा? थोड़ा थोड़ा दूर चल के जा सकते हो यहाँ से? पैदल जा सकते हैं? हाँ मैं जा सकता पैदल। दो किलोमीटर? लोग वहाँ आ रहे थे जब मैं इनको देख कर ही आया हूँ मैं भी। अरे भाई देखो बहुत प्यारा है। उसके नीचे जाने का भी रास्ता होगा वहाँ। ये तो सबसे बड़ा ऊपर वाला है वाटरफॉल। जो सामने आप वाटरफॉल देख रहे हैं, मैं अभी इसी जगह पर जाना है, तो देखते हैं कहाँ से जाते हैं। देखो वो नीचे भी है, बहुत ही प्यारी जगह है। मैं कैसे यहाँ पर आया हूँ बस पर मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो मुझे अभी इधर से जाना होगा, इधर से ऐसे गांव से ऐसे ऊपर से जाना होगा, तो वहाँ आना होगा। तो देखते हैं हम कैसे वहाँ जा सकते हैं। देखो बहुत ही ज़्यादा गहरा है भाई, बहुत ज़्यादा गहरा है। तो मुझे अभी वहाँ से जाना होगा इधर से, तो मैं जाते जाते आप लोगों को दिखाता हूँ। जो वो जो मैन लगा हुआ है सब्जी ये वेजिटेबल मतलब के निकाल रहा है, उसकी सफाई कर रहा है, उससे मैंने पूछा कि कैसे जाना है। तो मुझे उसने बताया है कि इधर से आप जाओगे तो वहाँ से आपको देखने के मिलेगा। ये देखो यहाँ से भी पब्लिक व्यू आप यहाँ से भी देख सकते हैं, तो वहाँ जाके पता चलेगा कि कैसे नीचे जाना है, क्योंकि यहाँ पे तो जाने का कोई रास्ता नहीं। कोई बिग रिवर है, तो ये एक गांव है हागीता, पता नहीं बोलते हागीता, हागीता इस गांव का नाम है। तो उसके साथ ही है, देखो बहुत प्यारा घर है और बहुत ही प्यारी जगह है। इस विलेज का नाम बोल रहे हैं HENRIETTA, पता नहीं ऐसे ही नाम बता रहे हैं मुझे इसका नाम, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना वो फ्रेंच में प्रोनाउंस करते हैं, तो नाम भी ज़्यादातर फ्रेंच में ही है, तो इसलिए पता नहीं चलता है। तो मुझे उसने दो तीन बार प्रोनाउंस किया मैंने पूछा, लेकिन इसकी जो बस है वो मुझे मिली है कैटरबोन से। देखो बहुत प्यारा गांव है, मंदिर है, ये घर बहुत प्यारे हैं, सब्जी वगैरह लगी हुई। देखो सामने से भी दिख रहा है वहाँ वाटरफॉल, लेकिन उसके नीचे जाने के लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हम देखते हैं कैसे जाना है, पूछकर पता चलेगा। तो मैं ऐसे ही घर में था, मैंने सोचा कहीं ऐसी जगह पर भी जाना चाहिए। मैं अक्सर दूसरी जगहों पे घूमता रहता हूँ ना, तो मैंने सोचा यहाँ पर भी जाना चाहिए, तो देखते हैं। तो अभी शायद यहाँ से जाएगा। देखो यहाँ ने यहाँ पर बस स्टेशन भी है, तो मुझे यहाँ पर ही सीधा उतारा, तो यहाँ से ये रास्ता जा रहा है। पूछ पूछ के जाना पड़ेगा। ये जा रहा है बाईसाइकिल पे। यहाँ पे कोई नहीं जानता ना, तो लिफ्ट नहीं ले सकते हो, तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। देखो ये पानी जो पाइप वगैरह लगे हैं यहाँ पे, ऐसे पानी देते हैं, क्योंकि ये जो जगह है बराबर नहीं है ना, ये जो ज़मीन है ऐसे ऊपर नीचे है, ऐसे पाइप वगैरह लगे हुए हैं, ऐसे देते हैं। देखो वो आदमी भी खेतों में काम कर रहा है। रास्ता बना है तो किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे आ सकते हो। वो एक बस के ऊपर लिखा था, मैंने तो कहीं और जाना था, तो बस के ऊपर लिखा हुआ था कस्केड लिखा हुआ था। तो मैंने सुना था कि ये फ्रेंच में वाटरफॉल कोई बने बोलते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी बस पे बैठ जाऊं। वो बस नहीं आ रही थी, तो मैंने देखा
कि कास्केड लिखा हुआ है तो मेरे माइंड में था एक वाटरफॉल है, काफ़ी फेमस है, उसका नाम है। तो मैं बोला उसको, पूछा कि ये वहाँ जाएगी वाटरफॉल में, तो उसने कहा एग्जैक्टली वहाँ पे जाएगी, अगर आप जाना चाहते हो तो आओ मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है। ये खेत है, मैन वहाँ है, उन लोगों ने वायर लगाया, नहीं तो अंदर जा सकते थे, क्योंकि हम अपनी कंट्री में तो ज़ुबान मतलब के जा सकते हैं थोड़ा यहाँ से व्यूज़ देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे फ्रेंच कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को बल्कि हिंदी नहीं समझते हैं, ना बोल सकते हैं, तो तकरीबन काफ़ी लोग समझ भी लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ की जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाने वाली है क्रियोल है, और फ्रेंच है, इंग्लिश है, और हिंदी भी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। और इंग्लिश और फ्रेंच और क्रियोल इनकी मदर लैंग्वेज है, और फ्रेंच और इंग्लिश जो है इनकी नेशनल लैंग्वेज में भी आती है, मतलब कि वो भी यहाँ पे पढ़ाई भी जाती है, और मतलब कि बोली भी काफ़ी जाती है, बहुत ज़्यादा फ्रेंच तो बहुत ज़्यादा बोली भी जाती, समझी भी जाती है। तो इधर से जाना होगा, देखते हैं, देखो लोग जाते हैं तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा भाई इनकी जो ज़ुबान है यही है, फ्रेंच ही है, मिक्स ही है, इंग्लिश और फ्रेंच मिक्स है क्रियोल में, और थोड़ी थोड़ी हिंदी भी उसमें मिक्स है, लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी हिंदी भी जानते हैं। देखो यहाँ से भी कोई बैठ के खाना वाना बना के पता नहीं खा कर गया। देखो नीचे भी है घर, देखो भाई बहुत दूर दूर तक लोग रहते हैं। यहाँ से जाने का रास्ता तो नहीं है, यहाँ से तो हाइकिंग वगैरह करने वाले जो जाते होंगे, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली सिर्फ चलने का रास्ता है। मैं आ गया हूँ पूछ के, लेकिन अभी ये रास्ता कहाँ जा रहा है, मैं वहीं के जा रहा हूँ, मुझे भी इतना पता पुता नहीं है, लेकिन ये रास्ता बना है तो आप जा सकते हो। आई होप के ये सीधा वहीं पे लेके जाएगा, आवाज़ तो आ रही है। ए भाई मैं ऐसी जगहों पे पहली बार आया हूँ, ये रास्ता जा रहा नीचे, ये भी कोई वाटर, ये वो तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी वाटर गिर रहा है। ए भाई देखो, नेचुरल, ये वो वाटरफॉल नहीं है, वो थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। देखो भाई जंगल है, और मेरे चप्पल पहनी है तो मैं फिसल सकता हूँ, इसलिए थोड़ा नीचे नहीं गया। मैं शूज़ पहन के नहीं आया, मुझे पता था कि अगर थोड़ा पानी में भी जाना पड़ेगा तो कैसे जाएंगे। ये मैं कई और रास्ते से आ गया हूँ, वो कोई और रास्ता है, ये वहाँ नहीं जा रहा है। इसलिए वो जो हाइकिंग होते हैं ना, उनके साथ आना चाहिए अगर आपको नहीं पता। मैं तो ऐसे ही निकल पड़ा, मेरा कोई इरादा नहीं था, तो मैंने सोचा वो एक साइकिल वाला जा रहा था, उसको पूछना चाहिए था, तो मैं सोचा रास्ता है तो मैं सीधा जाएगा। भाई कैसे हो, यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी, अंडरस्टैंड। ए नीचे कैसे जाते हैं वो वाटरफॉल पे, नीचे? हाँ यहाँ नहीं, हाँ उधर से, इधर से बहुत दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा दूर। चल के जा सकते हो यहाँ से? पैदल जा सकते हैं? हाँ मैं जा सकता हूँ पैदल, 2 किलोमीटर। दो किलोमीटर हाँ। आप अकेले इंजॉय कर रहे हो? आज मेरा बर्थडे। हाँ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुरा खाना तुरा? नो नो, मैं ऐसे घूमने निकला था, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, शायद देखा हो SWPER सुपर व्लॉग, मैं वीडियो बनाता हूँ, तो आज मैं ऐसे ही निकला था, मुझे पता नहीं है। यहाँ दिखा रहा है, हाँ थोड़ा स्पेस है, यहाँ थोड़ा पैर यहाँ नहीं दिखता। ये यहाँ पीसफुल प्लेस है ना बैठने के लिए।
हाँ मैं भी यहाँ से इधर से जाना है सीधा मेन रोड मेन रोड हाँ टेक मेन रोड यू गो स्ट्रेट हाँ ओके अभी यहाँ से मेन रोड लेना पड़ेगा टेक ए गाइड नो आई टेक ए गाइड आई डोंट नो वेयर आई कैन टेक नो मैं जा सकता अगर तुम थोड़ा समझा अकेले नीचे ना मत जा नो सिर्फ ऊपर से देखना है ऊपर से देखना फोटो खींचना है नीचे गाइड के साथ नीचे गाइड के साथ मुझे पता है हाइकिंग जो करते हैं उनके साथ है ना तो अभी मुझे बता दो यहाँ से कैसे जाना है थोड़ा यहाँ से रास्ता जाएगा यहाँ से ना वहाँ लागो में हाँ हाँ स्ट्रेट हाँ जो बस 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 नहीं जहाँ था हाँ हाँ पैदल में उधर से है उधर से उधर हाँ ओके मैं देखता हूँ ओके थैंक यू भाई हैप्पी बर्थडे टू यू अगेन वो केला यहाँ पे देखो एंजॉय कर रहा था मैन बेचारे का आज बर्थडे था शायद उसका कोई नहीं है बेचारे का हाँ वो रोड जा रहा है सीधा हाँ अभी समझा तो वो देखो ब्रिज है उसने कहा 2 किलोमीटर है वो देखो आ रहा है मैं उसको भी पूछता हूँ वो एक रास्ता जा रहा है शायद वो लेकर जाएगा वहाँ लेकिन मैं जाऊँगा उसने कहा नीचे मत जाओ अब देखते हैं अगर कोई वहाँ गाइड करने वाला है हाइकर है तो उसको साथ लेके जा सकते हैं क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं था मैं तो ऐसे ही निकल पड़ा देखो खेत यहाँ पे खेत कैसे होते हैं अभी वो मैन आ रहा है उसको पूछते हैं एक्सक्यूज मी दिस अ वे फॉर कासगंज हाँ यस यस कासगंज वो रुआत यस ओके ओके रुआत ओके उसने कहा राइट में जाओ तो मुझे क्यूरल समझ आती है लेकिन मुझे वो ठीक से समझाने नहीं आता ना तो काफ़ी क्यूरल मुझे आती है मतलब कि बहुत सारी समझ सकता हूँ अगर मेरे साथ बात कर रहे हैं उसको मैं समझ सकता हूँ उसका रिप्लाई नहीं देने आता है मतलब कि कुछ कुछ वर्ड का दे सकता हूँ क्योंकि आस्ता आस्ता आएगा मैंने ऐसी जगहों पर काम नहीं किया जो लोग मरोशियन लोगों के साथ काम करते हैं या वो यहाँ फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं तो वो जल्दी सीख जाते हैं तो मैंने ऐसा कहीं काम नहीं किया है ऐसे लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है जैसे मेरे पाँव के पीछे आवाज़ आ रही थी मैं तो समझा कहीं वो मैन तो नहीं मेरे फिर पीछे आ रहा ये जा रहा है रास्ता सीधा 100% चलो एक किसी और से पूछूंगा मैं अभी रोड के ऊपर आ चुका हूँ मैं अभी ऐसी वीडियो में सोचा बनाया करूँ ये भी क्योंकि थोड़ा ये ब्यूटी भी आपको दिखाना चाहिए हाँ ये लग रहा है रोड ये देखो मंदिर है यहाँ पे देखो यहाँ पर भी एक रिवर है ये मंदिर है नीचे ऐसे ही पूछ के जाना है ना जब अब कहीं उसने कहा था एक गाइड ले लो लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ से लेना है कैसे लेना है कुछ भी उसके बारे में मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं ऐसी जगहों पे मैं करता हूँ किसी ये जो होते हैं उनके साथ रब्ता करना पड़ेगा देखो उस वहाँ लिखा है बैठना मना है शायद जब यहाँ पे लोग प्रेयर करते तब बैठ सकते हो ये देखो यहाँ भी रास्ता अंदर को जाता है लेकिन देखते हैं कहीं कहीं से पूछना पड़ेगा भाई दूर दूर से नज़ारा लेना है अगर कोई वहाँ पे है तो उसको हम पूछ सकते हैं कि भाई मुझको अंदर जाना है तो कैसे जाना है ये तो मैं बहुत दूर निकल आया हूँ
पता नहीं ये भी एक रास्ता जाता है, तो पूछना पड़ेगा। कोई है नहीं यहाँ पे, ये कैब रखी हुई है किसी ने, लेकिन खुद नहीं। चलो मैं इधर से देखता हूँ, क्योंकि ये रास्ते बने हुए हैं तो लोग जाते होंगे। नेक्स्ट बार मुझे कोई गाइड वाला साथ रखना है। और यहाँ के लोग जो हाइक करते हैं, हाइकर हैं जो ऊपर वगैरह जाते हैं या पहाड़ों पर यहाँ से जाते हैं, उनका ही नंबर रखना होगा। एक वहाँ था लिखा लेकिन मैंने नहीं लिया, जाने के टाइम लेता हूँ। वो फेसबुक पर भी बहुत मिल जाती हैं। खेतों में आज मैं भी वैसे तो मैं पीछे गांव का ही हूँ, लेकिन हमारे वहाँ वाटरफॉल तो नहीं होते, हमारे खेत होते हैं फ्रूट वगैरह के और ऐसे ऐसे मतलब कि अलग अलग चीज़ के। भाई बहुत जगह बनी हुई है, अकेले नहीं आना चाहिए यहाँ। मैं वहाँ पहुँच कर अभी तुम लोगों से करता हूँ बात, वहाँ पहुँच कर करता हूँ। बल्कि मैं जाते जाते तुम लोगों को रास्ता ही पता होना चाहिए, अगर आप कभी अकेले आने का मन हो मेरे जैसे। लेकिन ऐसे नहीं आना चाहिए, आपको किसी के साथ ही आना चाहिए। ये उसकी बात सच है, वो जो लड़का वहाँ बैठा था उसने कहा अकेले नीचे मत जाओ। अभी जाने के टाइम ही मुझे वापस जाने के लिए भी काफ़ी टाइम चाहिए। मैं पहले सीधा जाने लगा था, सीधा जाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वहाँ वाटरफॉल नहीं है। यही ये रास्ता मेरे देखने में है। देखो खेत यहाँ पे ज़्यादातर शुगर केन ही होता है, उसकी खेती बाड़ी होती है। मुझे लगता मैं पहुँच चुका हूँ, आवाज़ आ रही है। अगर आपके पास गाड़ी है फिर तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप वॉक पे हो तो आपको 20 मिनट तो लग ही जाएंगे ऐसे चल के। मैं चप्पल भी ऊपर से देखो कैसे पहन के आया हूँ, मैट भी बहुत, मैट गारा मैट, देखो मैट बहुत है यहाँ, फिसल सकते हो। चलो कोई बात नहीं, साइकिल पे जा तो आना चाहिए, साइकिल पे आप इतनी दूर नहीं आ सकते, तो इसलिए बस भी लाजमी है भाई। मुझे कब से ही ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे आवाज़ आ रही है, पाँव की चलने। चलो कोई बात नहीं, आने दो, जो भी है उसको भी देखना चाहिए ना वाटरफॉल कहाँ है। देखो थक गया हूँ मैं, मुझे लगता यहीं कहीं है, लेकिन आवाज़ ये है कहीं से आ रही, लेकिन रास्ता अंदर जाने वहाँ से ऐसे चल के ऐसे 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 यहाँ आ चुका हूँ। तो अभी मेन रोड जो रोड है ना, मेन जो एक रोड है, मैं रोड के ऊपर था ना, उसी रोड के ऊपर आ चुका हूँ। तो वो जो वहाँ बैठ के बर्थडे मैन मना रहा था, उसने ये मुझे कहा था कि रोड के ऊपर से जाना, तो उसने मतलब ठीक कहा था। एक और मिला था उसने कहा हाँ, लेकिन उसको शायद ठीक से उसने एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसलिए प्रॉब्लम हुआ। अभी मैं रोड पे जा किसी को पूछता हूँ तो फिर पता चलेगा। तो अभी तो मैं ढूंढ कर ही जाऊँगा ये रोड जो जा रहा है। चलो ऊपर से देखेंगे, अगर कोई मिल गया तो फिर। मैं तो इसलिए ये पूरा वीडियो बनाया है कि चलो कोई अकेला आना चाहता है या फैमिली के साथ आना चाहता है, उनके पास गाड़ी है, उनके लिए तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये रोड वहीं से आ रहा है जहाँ से आप लोगों को मैंने मंदिर दिखाया, वही रोड है। तो और ये ज़्यादा दूर भी नहीं है, चल के तो 10 मिनट तो लग ही जाते हैं। हाँ यही है, देखो कितनी गाड़ियाँ लगी हैं, मतलब कि हम पहुँच चुके हैं।
मतलब कि हम पहुंच चुके हैं। उसने ठीक बताया था उस मैन ने कि रोड के ऊपर ऊपर से जाओ। मैं अंदर खेतों से आया हूँ तो ज़्यादा टाइम लग गया, तो इसलिए अक्सर हम मेन रोड के ऊपर से आए। ये आप सीधे रोड, ये सीधा रोड जो वहाँ से वो लड़के ने बताया था, वहाँ से सीधा रोड आप ऐसे आ सकते हैं। यहाँ पे बस स्टेशन है, वहीं से ये सीधा रोड आता है। तो मैं आप लोगों को इसलिए पूरी वीडियो बना रहा हूँ कि आप पता होना चाहिए। ये तो छोटा सा रिवर है। वाह भाई वाह, देखो ट्रैक्टर, ट्रैक्टर मैंने आप लोगों को कहा था, ये खेतों में आप लोगों को ट्रैक्टर भी देख गए हैं। अरे वाह, आखिरकार हम पहुंच गए हैं, इतनी मेहनत के बाद मैं पहुंचा हूं। यहां पे आते हैं गाड़ियां, मुझे कुछ नहीं पता है, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था यहां आने का। मैं था कटरबोन में तो मैंने देखा कि कहीं घूमने जाता हूं, तो मैं सीधा यहां पे आया। ये भी कुछ ले रहा है, देखो इस जगह का नाम लिखा है, ये क्या लिखा है, ये नाम उसने बताया था मुझे, इस जगह का नाम ये है, हैनीरीटा। मतलब मुश्किल सा नाम है, उसने क्यूरल में बताया था, मतलब कि फ्रेंच प्रोनाउंसी जैसे करते हैं सेम ही है, तो आपको नहीं पता चलेगा। लोग यहाँ पे आकर रुकते हैं। अरे भाई इतना चलना है, तो मैंने सोचा नहीं था। मैं वहाँ पहुँचता हूँ फिर क्या आप लोगों से बताता हूँ पहुँच के। ये देखो टूरिस्ट भी है यहाँ। चलो मैं वहाँ पहुँच के आप लोगों को अभी दिखाता हूँ पूरा। ये जो गाइड करते हैं वो हैं, ये सब वहीं पे जा रहे हैं, देखते हैं। ये भी कोई मंदिर वगैरह है, मैं भी इनके पीछे पीछे जाता हूँ, मुझे भी नहीं पता है ज़्यादा। हाँ यहाँ पर ही है, लोग बहुत आते हैं शायद। वो जो गाइड करने वाले हैं बता रहे हैं, लेकिन मैं कोई सामान वगैरह नहीं लेकर आया, जो नीचे जाने का रास्ता है। देखते हैं नीचे आवाज़ आ रही, पता नहीं कैसे जाना है, लेकिन लोग जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं भाई। मैंने चप्पल पहना है, सिर्फ नीचे यहाँ तक ही जाएंगे। वो एक मैन ने बताया है कैसे आप जा सकते हो। नीचे जाने का बहुत रास्ता है, मैं कह रहा मैं आप लोगों को जाने के टाइम बताता हूँ कैसे मैं आया हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गाइड वगैरह ही लोग। आइयो मैं गिरने लगा था, आइयो अकेले आना डेंजरस है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा रास्ता इजी लग रहा था तो मैं आया। तो जाने के टाइम में अभी बाहर जब जाऊंगा तो मुझे अपना बैग अच्छे से डालना होगा। अभी ए भाई मैं बिना कुछ भी नहीं, मेरे पास पासपोर्ट वगैरह, ऐसे ही उतर रहा हूँ टार्जन की तरह। टार्जन की तरह नीचे जाना पड़ रहा है भाई, ये बहुत रास्ते हैं यहाँ पर।
भाई देखो यहाँ पे तो मेड है मेड। कभी भी शूज़ वगैरह पहन के मारते हैं तो आप कोई भी इंजॉय नहीं कर सकते हैं। ये ट्री को पकड़ पकड़ के, अभी ये जो ट्री है इसके ज़रिए ही जा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली आप नहीं जा सकते हैं। बहुत मेड है भाई, फिसल सकती है। ये कोई और भी आ रहा है मेरे जैसा। बहुत ही मतलब ये रास्ता है आने का रास्ता। आप देखो नीचे लोग बैठे हैं, आप पैदल आ सकते हो, लेकिन ऐसे आप रिस्क मत ले लो। मैं तो ले लिया अभी, मैं सोचा क्यों ना देखा जाए। ये पकड़ पकड़ के ट्री को पकड़ पकड़ के जा रहा हूँ मैं नीचे। तो आप, आपके चोट भी बहुत बुरी आ सकती है क्योंकि सब पत्थर है ना, पत्थर के साथ अगर आपका सार टकराया तो यू आर खलास। इसलिए वे नीचे उतरने के टाइम थोड़ा प्रॉब्लम है, वैसे तो ठीक है। देखो बहुत लोग हैं यहाँ, मुझे ऐसे ही, मैं जाने के टाइम आप लोगों को पूरा बताता हूँ कैसे आना है और नीचे कैसे आना है अगर आप खुद आना चाहते हैं। लो जी मैं आ चुका हूँ नीचे। ये वाटरफॉल है, ये एक है, अभी इसके नीचे और भी हैं। देखो यहाँ से जाते हैं लोग ड्रोन से वीडियो बनाने। ये देखो काफ़ी लोग यहाँ पे घूमने आए हुए हैं और यहाँ से पानी गिर रहा है। ये है वाटरफॉल, ये लोग वहाँ आ रहे थे जब मैं इनको देखकर ही आया हूँ मैं भी। ए भाई देखो बहुत प्यारा है। उसके नीचे जाने का भी रास्ता होगा वहाँ, ये तो सबसे बड़ा ऊपर वाला है वाटरफॉल। हाँ तो नीचे पानी गिर रहा है, बहुत डेंजरस है भाई। मैं भी दूर दूर ही खड़ा होकर देख रहा हूँ, यहाँ भी पानी गिर रहा है और नीचे बहुत ही गहरा है। ऐसे ऐसे और नीचे जाता है, मैंने वहाँ से देखा था, देखो कितना वो ऊंचा है, यहाँ से मैंने देखा था बहुत ही गहरा होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं। अगर वहाँ जाना चाहिए, अगर वहाँ जाने का रास्ता है फिर अच्छे से आप इसका व्यू ले सकते हैं। नेक्स्ट बार मैं हाइकिंग जो करते हैं ना उनके साथ आऊँगा जो हाइक करते हैं, तो फिर ही आप अच्छे से वीडियो बना सकते हैं, ऐसे नहीं। मेरे पाँव में पेन होना शुरू हो गया क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा चल के आया हूँ। अभी मैं ऊपर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे जाना है, तो यहाँ पर कैसे आ सकते हैं यहाँ तक। देखो लेकिन आप किसी, अगर फैमिली के साथ अगर हाइकिंग वगैरह पसंद करते हैं फिर आप आएँ, वैसे मत आएँ। ये देखो यहाँ से इधर से पानी आ रहा है, ये तो सब सूखा है। ये देखो यहाँ पर है, इसके लिए आपको जो गाइड करता है उसको साथ आ सकता है जो यहाँ पे नीचे आते जाते हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छा है ना कि हर आदमी नहीं आ सकता है, मैं भी ऐसे ही आ गया हूँ, लेकिन ये रिस्क है। ये देखो
बहुत प्यारी जगह है भाई। फैमिली के साथ आए, लेकिन फैमिली कैसे नीचे आएगी भाई? नीचे आने के लिए भी थोड़ा, बच्चे वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं आ सकते, अगर आप बड़े हो फिर आ सकते हो। इसके बहुत जाने का और भी रास्ता है, मैं देखता हूँ और अगर कहीं जाने का रास्ता है तो। अभी मैं ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है, तो मैं अभी जाऊँगा। नीचे जाने का सोचता हूँ कैसे जाना है, नीचे जाने का सोचना है हमको कैसे जाना है। तो यहाँ पे तो पानी के उस साइड है, मैं ऊपर जाने के टाइम वीडियो बनाता हूँ, एक दो फोटो लेता हूँ, फिर ऊपर जाने के टाइम बनाता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, तो नीचे जाने का रास्ता देखते हैं। अभी मुझे यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ से मैं आया हूँ। ऊपर जाने का रास्ता तो इजी है, ऊपर जाने के लिए बहुत स्पीड से जा सकता हूँ, नीचे आने के लिए प्रॉब्लम था भाई। देखो बहुत ज़्यादा ये रिस्क है, अगर आप आना चाहते हैं सब सामान साथ लेके आएँ, जो हाइक जो करते हैं ना उनके पास होता है ना, उनसे सामान साथ लेकर आएँ। यहाँ से किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप नीचे आ सकते हो ईजीली अगर आप अकेले हो, बल्कि दो लोग आए हैं। ये अगर आप गिर जाते हो तो कोई उठाने वाला भी होना चाहिए ऐसा ना कि अकेले तड़पते रहो यहाँ। मैं पहली बार ऐसे आया हूँ, थक चुका हूँ। हाइकिंग करने के लिए भी आपको ताकत चाहिए भाई। और नहीं जा पाऊँगा नीचे, बस नेक्स्ट बार से। ये थोड़ा मुश्किल है, चक्कर आ रहे, बहुत जाने का नीचे रास्ता है। छोड़ो आप लोगों को रास्ता दिखा दो,
ये वही रोड है जो तुमको बताया था, मेन रोड। ये सीधा वहाँ से बस स्टॉप, बस स्टेशन में जाएगा। अब वहाँ से कोई बस लेके जा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा गहरा था और लोग ऊपर नीचे जा रहे हैं ना, तो आप रुक नहीं सकते हो। ओके, मैं अभी घर जाऊंगा। अगर आप दूसरा जाना है, वो लोग जा रहे हैं वहाँ से भी नीचे जाने का रास्ता है। ये हाइड रास्ते हैं, आप लोगों को नहीं पता चलेगा। आप अगर मरोशियन हैं, अब जब भी कभी यहाँ आप आएँ, उसको बोलो आप काम करने वाले हो यहाँ, तो आपको वो सीधा बता देते हैं, उनको पता है। अगर आप कहोगे कि हम दूसरी कंट्री से हैं, वो आपको बोलेंगे इतने पैसे लेंगे गाइड करने का, तो आप पैसे आपके ख़राब हो जाएंगे। तो चलो, मैं अभी वो अभी नीचे जाएंगे, वो लोग जो है ना वो मेरे साथ ही थे नीचे, वहाँ पे है जो दूसरा और नीचे जाना है। तो नीचे जाने के लिए तो आपके पास बहुत टाइम होना चाहिए। ये रोड के ऊपर निकल के आप सीधे वहाँ जाएं, मतलब कि बस स्टेशन, तो बस लेके घर जाएं। अगर आप पैसे वगैरह नहीं देने चाहते तो बहुत इजी है। यहाँ एक, वहाँ एक मंदिर आएगा, एक यहाँ पर मंदिर है। ये वाले मंदिर के बिल्कुल ये फ्रंट पे है ये, तो आप यहाँ से जा सकते हो। ओके, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, यहाँ से अभी टैक्सी लेकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 20-30 मिनट चलने का रास्ता है। मैं तो समझा इजी होगा, ऊपर ही है बना हुआ, चला ऊपर नहीं, बहुत नीचे जाना पड़ता है। ओके।